बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबका काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि BSc के सेमेस्टर थर्ड बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लाइए। आप सबके रिक्वायरमेंट पर दोस्तों आज मैं बॉटनी की क्लास लेकर के आया हूँ और इस क्लास में हमने 12 ऐसे प्रश्नों को चूज किया है जो रामबाण प्रश्न है, जो बार बार एग्जामिनर पेपर में बनाता है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपने इन 12 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो भाई आप परीक्षा टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको 75 में 75 मार्क्स चाहिए, 75 में 75 आपको चाहिए, तो ये 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तैयार करना होगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिएगा BSc के सेमेस्टर थर्ड बॉटनी पहला क्वेश्चन हमने यहां पर ले लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि वर्गीकरण और नामकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है कि वर्गीकरण और नामकरण से आप क्या समझते हैं, यह पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, आपको क्लियरली तैयार करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको दो टॉपिक मिल जाएगी। पहला कौन सा है, यहां पर पहला आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टैक्सोनॉमी, दूसरा हो जाएगा आपका नामनक्लेचर। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, वर्ग की और नामकरण, ये दोनों पद्धति इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो आप देखेंगे जो कि है बोटेनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रामबाण क्वेश्चन है, 10 नंबर मिलता है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस बोटेनिकल गार्डन, यानी कि बोटेनिकल गार्डन का महत्व क्या है, बोटेनिकल गार्डन होते क्या हैं, और कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम भी, जैसे लखनऊ आ जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बोटेनिकल गार्डन ऑन लखनऊ, लखनऊ में जो सिचुएशन है बोटेनिकल गार्डन उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ लेगा रूफ गार्डन क्या होते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, बोटेनिकल गार्डन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, ये आप लोग दिया इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका है बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, या कहेगा डिस्कस द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या पूछ लेगा एंगलर एंड प्रेंटल का, एंगलर और प्रेंटल का। तो सबसे ज्यादा पूछा कौन गया है, बेंथम एंड हुकर पूछा गया है, सबसे ज्यादा जो चांस है परीक्षा में आने के ये इसी क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। ठीक है, कौन सा, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज फेनेटिक्स, फेनेटिक्स क्या है। देखिएगा भाई, फेनेटिक्स जो आता है ये शॉर्ट वाले सेक्शन में आता है आपके। ठीक है, आपके शॉर्ट सेक्शन में प्रश्न बनता है, तो मैंने 4 प्रश्न आपको अभी तक बता दिए आपके पूरे सिलेबस के। हमने पूरे सिलेबस से 12 प्रश्न चूज किया है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया है टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर से, जो कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आपके है। यहां पर आप देख सकते हैं आपके पहले यूनिट का ये प्रश्न है, कौन सा आपका है, वर्ग की और नॉमेनक्लेचर, यानी हिंदी में मैं कहूं तो वर्ग की और नॉमेनक्लेचर, इंग्लिश में टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये आप इनसे क्या समझते हो, बार बार प्रश्न आया है, ये पहला क्वेश्चन था आपका, हो गया। दूसरा जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप, मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए, बोटेनिकल गार्डन जो गारंटी है कि आना तय है, इसका ये क्वेश्चन फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में हर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड हो, लेकिन ये क्लास, ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, चौथा आपका था फेनेटिक्स। फेनेटिक्स आता है वेरी शॉर्ट टाइप में, यानी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेनेटिक्स। ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज बायोमेट्रिक्स, मेंशन द मेजर कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है, इसके कुछ मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो बताइए। ठीक है, व्हाट इज
बायोमेट्रिक्स मेंशन द मेजर कंट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक वाला तैयार कर लीजिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आपका छठा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया है यहां पर, व्हाट इज GIS, जियोग्राफिकल। आपका क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पूरे टॉपिक का, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, क्या दिया गया है आपका, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, राइट, ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए, चलिए अगला लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज DELTA क्या है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो सूचना प्रबंधन प्रणाली है, यानी कि जो आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, उसमें सॉफ्टवेयर का कार्य करता है, एक प्रकार का ये लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला ये प्रश्न रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे भाई। अगला देखिएगा, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी विश्वविद्यालय में 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, क्लियर है। चलिए, हमने 8 क्वेश्चन को देख लिया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ जाइए, इन सभी के सोल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। ध्यान रखेंगे, जैसे ही जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में इनके महासंग्राम रिविजन क्लास शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, डिस्कस इट्स फंक्शन, इनके जो फंक्शन है, जो इनके वर्क है, वो आपको बताने हैं। हर्बेरियम एक ऐसी तकनीकी है, जहां पर जो वर्गीय पादप हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जो आजकल विलुप्त तो हो रहे हैं, उनको संग्रहित करके एक सीट होती है, उस पर चिपका करके बोटेनिकल गार्डन में रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। सूखे पादपों को रखने का एक प्रकार का ये, मान लीजिए हाउस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सूखे पादपों का घर कहलाता है हर्बेरियम। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भाई, हर्बेरियम एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे टॉप प्रश्न ये है। चलिए अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पौधे की पहचान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, उनका क्या रोल है। विभिन्न प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जो पौधों की पहचान करने के लिए आजकल बहुत उपयोगी हो रहे हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं, इनका कार्य क्या है, और वह कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान रखेंगे, ये आपका जो दिया गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, आप MJPRU बरेली विश्वविद्यालय देख लीजिएगा, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय में देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, कानपुर विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी प्रकार से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन उठा के देखिए आप, क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर ले लेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये सभी प्रश्न आते हैं। चलेंगे हम 11वें प्रश्न के साथ, आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है, राइट द करैक्टरिस्टिक फीचर, राइट द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटिव फैमिली के करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताना है। क्या बताना है, करैक्टरिस्टिक फीचर किसका, कंपोजिटी का। आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार रिपीट हुआ है, ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंपोजिटी चूज किया है। बाकी आप जो आपका यूनिट नंबर 4th और 5th है, उसमें कई बार आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लेमिनेसी कुल है, लेमेसी कुल पूछ लिया जाता है, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं देखूँ तो इंपॉर्टेंट मुझे कंपोजिटी लगा, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं आपका,
12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक फीचर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालवेसी। यहां पर क्या पूछा गया है कि डिस्कस द करेक्टरिस्टिक फीचर आपको डिस्कस करना है और आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व, ठीक है, क्या बताना है भाई, आर्थिक महत्व बताना है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। तो आपको जो मालवेसी कुल है, मालवेसी के करेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से हैं, उसके बाद में आपको बताना है इसका आर्थिक महत्व क्या है दैनिक जीवन में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर आपका, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये 12 नंबर आपका है, क्लियर है। चले अब हम कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है, जो एग्जाम में आते हैं लेकिन अब बार बार रिपीट होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फैमिली ऑफ पोएसी, पोएसी कुल के बारे में आपको करैक्टरिस्टिक फीचर तैयार करना है, क्या तैयार करना है, करैक्टरिस्टिक फीचर कौन से, पोएसी कुल के बारे में, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा आपका है फ्लोरा एंड ई फ्लोरा, देखिएगा फ्लोरा एंड ई फ्लोरा पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, क्या आता है भैया, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है, राइट, ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरा, ओके, तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है यहां पर एमएस ऑफिस जब आप पढ़ेंगे, कंप्लीटली बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि विंडो क्या होते हैं, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, WW क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, CPU क्या है, ALU क्या है, ये आपको तैयार करना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप MS Office, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जब आप पढ़ेंगे तो एक पहला है MS Word बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MS Word, और दूसरा है MS Excel, ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार MS Word और MS Excel के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी आप लोग कर लीजिएगा, जो कि आप फोन से भी कर सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में, या अगर नोट्स है तो देख लीजिएगा, हम इसको कराएंगे आपका जो पूरा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का चैप्टर है, शायद 7वां यूनिट है, तो हम उसको कवर करा देंगे, ये मेरी गारंटी है भाई, लेकिन इनको आप अपने तरफ से ध्यान रखिएगा। तो हमने 12 क्वेश्चन आज आपको बता दिए, ये 12 क्वेश्चन अगर आपने तैयार किया है, कुछ नहीं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने 12 ये क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो ये मानकर चलिएगा भाई आप 75 मार्क्स में से 75 पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिक्स होते हैं, बार बार यही आते हैं सभी विश्वविद्यालय में घूम घुमा करके, क्योंकि कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो क्वेश्चंस बाहर से नहीं आ सकता, इसीलिए जो भी एग्जामिनर देगा वो यही 12 में से आएंगे, जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट टाइम में मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी वीडियो लाएंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार की हम वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।